स्टूडेंट्स, आज हम आपको मेंटल एबिलिटी की इस वीडियो के माध्यम से पेज नंबर 8 जिसमें असाइनमेंट नंबर 4 दिया गया है और पेज नंबर 9 जिसमें असाइनमेंट नंबर 5 दिया गया है, इसको इस वीडियो के माध्यम से हम सिखाएंगे कि कैसे करना है। जैसे पेज नंबर 8 असाइनमेंट नंबर 4 में हम देखते हैं कि इसमें मैच दिया गया है, मैच इच कलर शेप, प्रत्येक शेप के अंदर कलर दिए गए हैं विद द सेम शेप, इसी शेप के अकॉर्डिंग यहाँ पर पजल किया गया है। आपको शेप वही शेप दी गई है जो इसके अंदर है, आपने उन शेप्स को इस शेप से मैच करना है कि आपकी फर्स्ट शेप में ये फर्स्ट शेप है, इसके अकॉर्डिंग इसमें से कौन सी शेप यहाँ पर आएगी उसका यहाँ पर आप नंबर लिखेंगे या अल्फाबेट लिखेंगे। जैसे इसमें दिया गया है फर्स्ट शेप आपकी किस प्रकार से है, यही शेप आपको कहां पर दिखाई दे रही है इसमें, यहां पर किस क्या है ये अल्फाबेट ई, स्मॉल ई, तो फर्स्ट है, फर्स्ट में क्या आएगा ई, तो यहां पर हम भरेंगे क्या ई, क्या भरेंगे ई। ठीक इसी प्रकार यहां पर एक शेप दी गई है एल के आकार की, इसी प्रकार इसके अंदर जो नीचे दी गई है लाइन के नीचे इसमें शेप देखनी है आपने, ये एल के आकार की शेप आपकी क्या है एच, तो सेकंड, ये सेकंड है, सेकंड में हमने भरना है एच, तो यहां पर भरना हमने एच। ठीक इसी प्रकार पेज नंबर 9 असाइनमेंट नंबर 5 इसके अंदर क्या दिया गया है, मैच इच आउटलाइंस, ऊपर जो दी गई है आकृतियां शेप्स दी गई हैं वो आउटलाइन में दी गई हैं विद इट्स कलर शेप, और नीचे दी गई हैं यही आकृतियां हैं, यही आकृतियां शेप इन कलर में दी गई हैं, तो हमने मैच करना है ठीक इस आकृति को इस आकृति से कैसे मैच करेंगे। जैसे वन है, वन में कौन सी शेप्स आएगी, अब ये देखिए आपकी क्या बनाई हुई है शेप, इस प्रकार की शेप बनाई हुई है, तो ये शेप आपकी ये शेप है, तो फर्स्ट वाली शेप में क्या आएगा ई, क्या आएगा ई। इसी प्रकार सेकंड शेप आपका नीचे की तरफ एरो है, लेकिन इसमें क्या है एरो ये रहा यहां पर है, ये एरो नीचे की तरफ कलर है, तो आपका क्या आएगा सी। ठीक इसी प्रकार आपने ये बाकी के जो फिल है वो कंप्लीट करने हैं, ठीक इसी प्रकार आपने असाइनमेंट नंबर 4 और 5 कंप्लीट करना है। थैंक यू।